यदि आप नए हैं तो आपके अपने हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। लड़कियों में माँ से आती हैं ये 5 बीमारियाँ। आपने अक्सर बच्चों को पेरेंट्स से विरासत में जमीन जायदाद संपत्ति मिलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों को माता पिता से बीमारियां भी विरासत में मिलती हैं? ये बात 100% सच है। इन बीमारियों को आनुवंशिक बीमारी कहा जाता है। आमतौर पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं लोगों को पैतृक रूप से मिलती है। ऐसे में आज हम आपको उन बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जो लड़कियों में उनकी माँ से आती है। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। लंदन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के मुताबिक 57% लड़कियों में जल्दी पीरियड्स शुरू होना माँ से आनुवांशिक रूप से मिले गुणों की वजह से होता है। इस रिसर्च में इसके अलावा दूसरी बीमारियों के बारे में भी बताया गया है जो लड़कियों को उनकी माँ से आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जीन्स के कारण पहुँचती हैं। आइए जानते हैं माँ से लड़कियों में पहुँचने वाली उन बीमारियों के बारे में। नंबर 1, ब्रेस्ट कैंसर। वैसे तो हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर टेस्ट यानी मेमोग्राम जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी परिवार की महिलाओं में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या रही है तो ऐसे में उस परिवार के हर एक लड़की को ब्रेस्ट कैंसर संबंधी जांच लाइफ में एक बार जरूर करवानी चाहिए। उत्परिवर्तित जीन BRCA1 या BRCA2 वाला दोषपूर्ण जीन शरीर में होने पर ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर विकसित होता है। नंबर 2, अल्जाइमर। अल्जाइमर एक मानसिक विकार है। इससे पीड़ित व्यक्ति चीजों को बार बार भूलने की समस्या से गुजरता है। अगर आपकी माँ या परिवार की कोई महिला अल्जाइमर नाम की बीमारी से पीड़ित रही है तो ऐसे में उस घर की लड़कियों में इस बीमारी के होने की संभावना 30-50% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा आप इससे बचने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए और वजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखकर बीमारी होने के खतरे को 20% तक कम कर सकते हैं। नंबर 3, दिल की बीमारी। आज के दौर में अधिकांश लोग दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे में आपको दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी माँ को हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक की समस्या हुई है तो ऐसे में लड़कियों में भी हार्ट रिलेटेड बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण वंशानुगत वेस्कुलर बीमारी से दिल में कोरोनरी धमनी के साथ मस्तिष्क की मस्तिष्क धमनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, डिप्रेशन। आज के दौर में डिप्रेशन युवाओं में बहुत तेजी से पनप रहा है। इसके कारणों में जहां रिश्तों में बढ़ता तनाव और अविश्वास भूमिका निभाता है, उतना ही परिवार में मानसिक बीमारी का इतिहास भी। रिसर्च के मुताबिक परिवार में पहले से डिप्रेशन होने से बच्चों में, खासकर लड़कियों में, इसके होने की संभावना 10% तक बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए पूरी नींद लेना और शराब का सेवन न करना आदि तनाव को कम करके डिप्रेशन होने के खतरे की आशंका को कम किया जा सकता है। नंबर 5, माइग्रेन। अगर आप भी लगातार सिर दर्द यानी माइग्रेन से पीड़ित हैं तो ऐसे में पेरेंट्स से जानने की कोशिश करें कि आपके परिवार में पहले से किसी को ये समस्या थी या नहीं, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक माइग्रेन एक वंशानुगत होने वाली बीमारियों में से एक है। अगर आपके परिवार में इसकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है तो ऐसे में आपको माइग्रेन होने का खतरा 70-80% तक बढ़ जाता है। चॉकलेट, चीज, कॉफी, खट्टे फल और रेड वाइन जैसे संवेदनशील खाद्य पदार्थों का सेवन करना सामान्य माइग्रेन के ट्रिगर्स माने जाते हैं। इसके अलावा लड़कियों को समय समय पर हार्मोन्स में होने वाले बदलावों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे पीरियड साइकिल पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बीमारियां जो सामान्य तौर पर माँ से बेटी में आती है। आती ही है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सावधानी हमेशा इलाज से बेहतर है। इसलिए अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानें और संबंधित जांच समय पर करवाएं। हम जल्दी ही हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें। धन्यवाद।